जय मसीह की दोस्तों, आज हम बात करेंगे जेम्स हडसन टेलर के बारे में। हडसन टेलर का जन्म 22 मई 1832 ईस्वी में यॉर्कशायर इंग्लैंड में हुआ। उनके पिता मेथोडिस्ट जेम्स टेलर और उनकी माता अमेलिया थे। हडसन के माता पिता ने बचपन में ही उसको परमेश्वर को अर्पित कर दिया। उनके माता पिता अच्छे प्रार्थना करने वाले थे, लेकिन हडसन परमेश्वर से दूर था। 17 साल की उम्र में उन्होंने गरीब रिचर्ड नामक एक प्रचारक के पंपलेट पढ़ने पर उसका मन बेचैन हुआ। उसे अपने पाप का बोध हुआ और रक्षक की आवश्यकता भी। उसने अपनी रक्षा के लिए यीशु को स्वीकार किया। उसकी माँ को उसके इस निर्णय से खुशी हुई। अपने बचपन में वह कहा करता था, जब मैं बड़ा होऊंगा तब मैं चीन मिशन के काम के लिए जाऊंगा। यीशु को अपना रक्षक मानने के बाद एक दिन उसने बाइबिल अपने कमरे में ले ली और प्रार्थना की, प्रभु तेरी इच्छा बता दे कि मुझे क्या करना है। जब तक तू मुझे यह नहीं बताएगा तब तक मैं यह कमरा नहीं छोड़ूंगा। परमेश्वर ने उसकी मन की आतुरता समझी और उसे रास्ता दिखाया। टेलर को विश्वास हुआ कि परमेश्वर उससे बोला है और उसकी इच्छा है कि वह चीन को जाए। 1849 में उन्होंने चीन जाने के लिए खुद को प्रतिबद्ध किया। इस समय में उन्होंने लतीन और ग्रीक, हिब्रू और चिकित्सा शास्त्र को सीखा और खुद को गरीबों के लिए समर्पित कर दिया और विश्वास किया कि परमेश्वर उसकी ज़रूरतें पूरी करेगा। 1851 ईस्वी में हल ब्रेथान असेंबली में प्लाईमाउथ ब्रेथेन के एंड्रयू जॉन जुकेस द्वारा बपतिस्मा लिया। उसकी कठिनाइयों ने उसे प्रभु यीशु के बहुत निकट ला दिया और उसे अपनी दैनिक जरूरतों के लिए परमेश्वर पर निर्भर रहना सिखाया। 5.5 महीनों के समुद्री यात्रा के बाद हडसन टेलर चीनी सुसमाचारक सभा की अध्यक्षता में चीन के संगाई नगर पहुंचा। इतनी लंबी समुद्री यात्रा किसी को भी बीमार बनाने को काफ़ी थी। शंघाई उस समय क्रांतिकारियों के हाथ में था। कीमत की बढ़ती हुई थी, सब सामानों का दाम ऊंचा था। हडसन के कोई मित्र नहीं थे, परंतु वह निरुत्साहित नहीं हुआ। उसे मालूम था कि परमेश्वर उसे चीनियों के पास पहुंचने में मदद करेगा। उसमें चीनियों को सुसमाचार सुनाने का इतना उत्साह था कि वह नगर में चारों ओर घूमकर पुस्तिका बांटने लगा। किसी न किसी तरह लोगों से मेल मिलाप करके उसने उनकी भाषा के कई शब्द सीख लिए। वह पुस्तिका लगकर ऐसी जगहों को गया जहाँ के लोगों ने यीशु के बारे में नहीं सुना है। जब वह एक दिन पुस्तिका बांट रहा था, तब एक बड़े आकार का आदमी उसके सामने आया। श्राप के नशे में धुत होकर वह लड़खड़ा रहा था। हडसन को सोचने या हटने का समय ही नहीं मिला कि अचानक उस आदमी ने उस पर हमला किया, बाल पकड़कर खींचा और इतनी क्रूरता से पीटा कि वह बेहोश हुआ। क्या इससे डरकर हडसन ने पुस्तिका बांटने का कार्य बंद किया? नहीं, परंतु उसने यह सोचकर कि बाद में शायद मौका ही नहीं मिले, पुस्तिका बांटने का कार्य और भी उत्साह से किया। लोग उसे पकड़कर सड़कों पर खींच खींच कर एक सरकारी अफसर के पास ले गए, परंतु परमेश्वर ने अपनी दया से मदद पहुंचाई और उस अफसर ने हडसन से नया नियम की एक प्रति भी ली। हडसन बहुत खुश हुआ क्योंकि परमेश्वर की कृपा से उसके काम की सफलता का आरंभ हुआ था। हडसन ने चीनियों की जैसी पोशाकें पहनी, हमेशा उसके साथ बातचीत में लगा रहा। परमेश्वर ने उसे उसका प्रतिफल दिया। जब सबसे पहले एक व्यक्ति ने ईसाई धर्म स्वीकार किया, वह कितना खुश हुआ। उसका मिशन मुश्किल लग रहा था, उसका पैसा खत्म हुआ, उसके वेतन के आने में देरी हो रही थी। हडसन को चिंता हुई, पर जब उसने प्रार्थना की तब उसके मन का यह विचार दृढ़ हुआ कि वह एक एक दिन के खर्च के लिए अपने प्रभु पर निर्भर रहेगा। दोस्तों, आज हम अपने बारे में भी सोचें कि क्या हमें भी ऐसी प्रवृत्ति है। अगर हम हर बार हर कदम रखने को परमेश्वर पर आश्रित रहते हैं और उसका सहारा पाने की प्रतीक्षा करते हैं तो सब कुछ ठीक होता है। हडसन ने तसुंगिक नामक स्थान पर चिकित्सा मिशन केंद्र स्थापित किया। हजारों लोगों को यीशु का संदेश
पहुंचाने में सफल रहा। विलियम बेंस हटसन का घनिष्ठ मित्र था। चीन के लोगों को यीशु का संदेश पहुंचाने का भार सा उसके मन में उठा था। उसका सहयोग पाने से हटसन को बहुत प्रोत्साहन मिला। पर हटसन को खबर मिली कि विलियम बेंस पकड़ा गया है और एक युद्ध में मारा गया है। इस खबर से हटसन को बहुत दुख पहुंचाया, पर वह प्रभु यीशु पर आश्वासन के लिए निर्भर रहा। निगम्पो नामक स्थान पर जहां डॉक्टरों का अभाव था, काम करने को परमेश्वर ने हटसन को प्रेरणा दी। उधर जाने के रास्ते में उसके सभी सामान की चोरी हुई। उसके नौकर ने ही यह चोरी की थी, इस बात से उसे अधिक दुख हुआ। पर हटसन के मन में निपंगों के लोगों की आत्माएं बचाने की तीव्र आकांक्षा थी कि उसने और उत्साह से यीशु के बारे में कहा। निपंगों में रहकर उसने निपंगों नया नियम संशोधित किया। 1858 ईस्वी में मरिया डायर से शादी की और दोनों ने मिलकर यीशु के प्रेम की प्रेरणा से बीमारों की सेवा की और चीनियों को यीशु का संदेश पूरे जोश से सुनाया। उसका स्वास्थ्य बिगड़ गया और स्वास्थ्य सुधार के लिए वह इंग्लैंड चला गया। इंग्लैंड में क्या हुआ? क्या हटसन ने आराम करने का सोचा? वह कभी ऐसा करने वाला नहीं था। जब वह चंगा हो गया तब लंदन में वैद्य शास्त्र की अपनी पढ़ाई पूरी की। अपने घर में उसने चीन का बड़ा नक्शा देखा। उस देश में 11 प्रांत थे जिनमें 3 करोड़ लोग अधिवासित थे, जिनके यहाँ यीशु का कोई सुसमाचार नहीं पहुँचा था। उसने इन जगहों पर जाने को 24 मिशन कार्यकर्ताओं को पाने को परमेश्वर से प्रार्थना की। एक दिन उसे ऐसा मालूम पड़ा जैसे परमेश्वर उसे प्रेरित कर रहा था कि वह बैंक में अपनी चीनी आंतरिक मिशन के हिसाब में एक छोटी रकम लगा दे। उसे यह बहुत अद्भुत बात लगी थी कि उसे खुद नहीं जाना कि परमेश्वर उस रकम से क्या करने वाला था। इस तरह बहुत सफल चीनी आंतरिक मिशन का आविर्भाव हुआ। हटसन को इसका ज्ञान नहीं था कि परमेश्वर ने भविष्य के लिए क्या आश्चर्यजनक कार्य तैयार किए हैं। 11 महीने के बाद जब परमेश्वर ने प्रार्थना का उत्तर दिया, तब 16 मिशन सेवक उन जगहों पर गए जहां अब तक कोई नहीं गया था। क्या उन्हें अच्छा वेतन मिलता था? उनके अच्छे दोस्त थे और अच्छे सामान कुछ भी नहीं था। उनमें हर व्यक्ति हटसन के जैसे ही खाली हाथ था। उनको हर महीने क्रम से वेतन पाने की निश्चित सूचना भी नहीं मिली थी, पर वे गए। सिर्फ चीन जैसे विशाल देश के लोगों को प्रभु यीशु का संदेश पहुँचाने का बड़ा कर्तव्य मन में लिए। चीन की और जिस जहाज में हटसन ने यात्रा की, उस जहाज में 34 काम करने वालों में 20 व्यक्तियों ने यीशु को स्वीकार किया। यह उसे कितने आनंद की बात थी। संघाई के मिशन समूह के नेता हटसन ने अपने समूह के लोगों को हर बात के लिए, खाने के विषय की हो या रहने के स्थान की, परमेश्वर पर आस्था रखना सिखाया। 20 साल बाद चीनी आंतरिक मिशन के अधीन 255 मिशन कार्यकर्ता, 59 गिरजाघर और लगभग 1700 विश्वासी थे। क्या यह आश्चर्यजनक बात नहीं है? हटसन के एक दल के आदमी ने काम छोड़कर घर लौटना चाहा। हटसन ने कहा, ओ जवान आदमी, जब परमेश्वर तुम्हें चीन में लाया है तो तुम चीन नहीं छोड़ सकते। हटसन टेलर ने खुद अपने जीवन में परमेश्वर का बुलावा सुना और उसका पालन किया और दूसरों को भी यीशु के निकट लाने का प्रयत्न किया। हटसन की पत्नी और 3 बच्चे मरे। कई बार वह इंग्लैंड गया, परंतु हर बार वह चीन वापस आया। एक ऐसी ही यात्रा पर वह स्वर्ग सिधारा। क्या हटसन की जिंदगी हमें आश्चर्यचकित करती है? हम उसके जीवन से क्या सीख सकते हैं? परमेश्वर पर और उसके वचन पर पूर्ण आस्था रखने वालों पर परमेश्वर असीम रूप से अनुग्रह की वर्षा करता है। तो दोस्तों, आज हम भी यह निर्णय लें कि हम परमेश्वर को अपना जीवन सौंप देंगे।
जिससे वह हमें अपने प्रयोजन का साधन बना सकें। अंत तक इस वीडियो में बने रहने के लिए मैं आप सबों का धन्यवाद करती हूँ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।